Hey guys, welcome back to another video of Cosmic Glam. How are you guys? I hope you're well. So guys, very happy Independent Day. And आज के दिन बहुत ही खास है हम इंडियन के लिए. तो गाइज चलिए इस वीडियो का शुरू कर देते हैं. आज मैं आपके साथ एक ऑरिज पाल पैक की जो है रिव्यू करने वाली हूँ. तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो टू नो हाउ दिस प्रोडक्ट. सो फर्स्ट इज द ऑरिज पाल प्रोडक्ट. सो ये कार्डबोर्ड वाइट कार्डबोर्ड पैकेजिंग में इसका जो आउटर बॉक्स आती है एंड इसको जो ऊपर में है इसका ब्रांड डोनर का जो है पिक्चर एज सेम एज इसके ऊपर की ओर जो लिखा है फॉर विच स्किन टाइप एंड इसके जो पीछे की ओर डिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट्स हाउ टू यूज मेथड ऑफ यूज इसने पूरा दिया है. इसमें जो दिया है इसका प्रोडक्ट का प्राइस एक्सपायरी डेट एंड ऑल दैट. सो गाइस प्रोडक्ट का पैकेज को खोलने के बाद प्रोडक्ट कुछ इस तरफ से आती है. जो येलो कलर में डार्क येलो कलर में एक गोल्ड कलर में ये जो पैक आती है क्यूट सा पैकेजिंग है नॉर्मल सा टब पैकेजिंग है एंड इसके ऊपर भी दिया है पूरा डिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट जो एज सेम दैट इसका पैकेजिंग के ऊपर जो दिया है. तो गाइज चलिए देख लेते प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कुछ इस तरफ से है. फर्स्ट आती है इसकी प्राइस के बारे में. प्राइस है 335 और 35 ml इस प्रोडक्ट की प्राइस एंड इसका जो सेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स. तो चलिए देख लेते इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट इसने दिया है तुलसी एलोवेरा रोज चंदन कोकोनट वाटर मुक्ता सॉर्बिटल ग्लिसरिन प्रोपाइल ग्लिसरिन जिंक ऑक्साइड कार्बोमा सोडियम बेनोजेट बेंजल्कुअम क्लोराइड बेसिल ऑयल लेमन ऑयल ग्रीन FCF 4205 प्यूरिफाइड वाटर. तो इसमें जो इंग्रेडिएंट दिया है ये सेम टू सेम पाल क्रीम पाल जेल में पाल फेस वॉश में ऐसे ही सेम इंग्रेडिएंट इससे दिया है. तो ये जो इंग्रेडिएंट से दिया है सभी स्किन की वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छी है एंड लाइटनिंग ब्राइटनिंग वाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छी है. तो इंडिकेशन इसने दिया हा इट्स हेल्प टू गिव अ रेडियंस टू द स्किन प्रिवेंट साइंस ऑफ एजिंग एंड रिड्यूस डार्क सर्कल्स मार्क्स एंड अदर साइंस. इट हेल्प्स टू मेक द स्किन सॉफ्ट एंड ग्लोइंग एंड मेथड ऑफ यूज इसने दिया अप्लाई ऑल ओवर द फेस एंड नेक वेट फॉर 15 मिनट्स एंड वॉश इट ऑफ विद नॉर्मल वाटर. एंड गाइस इसने जो क्लेम किया है ये जो है आपके स्किन में हर तरह की जो स्पॉट होती है स्पॉट को अच्छी से ये निकाल देती है. आपके स्किन में एक अच्छी से फेयर रेडियंस सा स्किन हो जाती है एंड ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है गाइस. मैंने यूज़ किया तो ये जो बेसिकली है स्किन सब स्किन में ये पैक जो है आप लगा सकते हैं. कोई ऐसा कोई बैरियर नहीं है जब ये स्किन में नहीं. हाँ खाली जो आप ड्राई एजिंग स्किन में जो है ये मत लगाइए. नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन ऑयली सेंसिटिव प्रेगनेंट स्पोन स्किन के लिए ये जो है प्रोडक्ट ये पाल प्रोडक्ट आप पैक जो है लगाइए एंड चलिए देखते हैं इस पाल प्रोडक्ट के पाल पैक के कैसे टेक्सचर्स हैं. वाइट कलर में ये जो पाल पैक आती है एंड ये जो है बहुत ही थिक है. यू कैन सी ये बहुत ही थिक है एंड गाइस स्मेल इज ऑसम एंड इसका जो यू कैन सी टेक्सचर है काफ़ी लाइट है एंड क्रीमी टेक्सचर है. इजीली ब्लेंड हो रही है मेरी हाथों पे. यू कैन सी सो बहुत ही अच्छी है गाइस. एंड आपको लगाने के बाद कोई ऐसा नहीं होगा ये मैंने फेस पे कोई कुछ लगा ही है. ये बहुत ही अच्छी है बहुत हल्की है ये पैक एंड इसको रखने के बाद आप 15 मिनट्स आप वेट कीजिए देन इसे नॉर्मल वाटर से आप धो दीजिए एंड ये बहुत ही अच्छी है गाइस. तो वीक में आप इसे 3 times यूज़ कर सकते हैं. 3 times यूज़ करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप देख सकते हो इस पाल पैक के. तो ये था मेरा पाल पैक की एक छोटा सा रिव्यू वीडियो. तो गाइस ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेरी वीडियो को मेक श्योर लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी. बाय बाय.